फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन के एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये इस तरह के पैकिंग में मुझे मिला है। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये इस तरह के पैकिंग में मुझे मिला है। मैंने ये अरोमा डिफ्यूज़र्स मंगाए हैं। ये तीन हैं जो मुझे 349 रुपीज़ के पड़े। सिंगल पीस इसका 199 था। सिंगल पीस इसका 199 रुपीज़ का था, तो मुझे 349 में तीन पीस काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने इन्हें ऑर्डर किया है। देखते हैं, ये बाहर से तो पैकिंग अच्छी तरह दिखाई दे रही है, अब अंदर से ये किस तरह के हैं ये हम थोड़े खोल के देखेंगे। इनको अच्छी तरह से बबल रैप में पैक किया गया है। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ये है, ये अरोमा डिफ्यूज़र है। ये येलो कलर का है। ये एक येलो कलर का अरोमा डिफ्यूज़र है। इसके साथ इस तरह का टी लाइट भी मिला है। टी लाइट कैंडल मिला हुआ है, जिसको हमें जलाकर इसके अंदर इस तरह हम प्लेस करेंगे और इसके ऊपर में हम वाटर डालकर उसमें कुछ भी, मतलब लैवेंडर एसेंशियल ऑयल या फिर कोई भी अरोमा ऑयल हम इसमें डालेंगे, तो फिर जैसे ये कैंडल जिस तरह से जलना शुरू होता है कैंडल की फ्लेम की गर्मी से, इसकी अरोमा चारों तरफ फैलती है। ये पहला जो है ये येलो कलर का निकला है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा कलर है। ये दूसरा है रेड कलर का। इसके साथ भी टी लाइट मिली है। ये तीन अरोमा डिफ्यूज़र्स के साथ तीन टी लाइट्स मिले हुए हैं। कौन से कलर का है? आई थिंक ये ब्लू कलर में है। ये ब्लू कलर का मुझे सबसे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इतना वाइब्रेंट ब्लू है कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। वैसे तो येलो और रेड भी अच्छे ही हैं, लेकिन ये ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये 3 इंच का डायमीटर है इसका, तो हम इसके अंदर छोटा सा, इस कैंडल के जगह में हम कोई छोटा सा दिया भी लगा सकते हैं, इस तरह जो इस कैंडल के साइज़ का हो, कोई छोटा सा दिया अगर है तो हम उसे भी लगा सकते हैं। लगाकर इसके ऊपर जब हम वाटर डालेंगे और वाटर में अरोमा ऑयल डालेंगे, तो इसकी फ्लेम से खुशबू चारों ओर फैलती है। और ये काफ़ी मुझे रीज़नेबल लगे। प्राइस 349 में तीन पीसेस मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आप इसे अमेज़ॉन पे परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।